रीट पेपर लीक को लेकर राजस्थान में रार खिंची हुई है। भाजपा और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ओर से रीट पेपर लीक और धांधली की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, जबकि अब सूबे की अशोक गहलोत सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार सदन में रीट को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये सारा मामला एसओजी ने खोला, तो क्या अब हम सारा श्रेय सीबीआई को दे दें? आप भी सुनिए कि आखिर खाचरियावास ने कैसे किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा को चुनौती दी है। वो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से बात हो रही थी मेरी, मैंने डॉक्टर साहब से कहा कोई थाना मुद्दा हो तो मन बता दो, क्योंकि जब मैं निक्कर पहनता था तो डॉक्टर साहब नेता थे राजस्थान के बड़े, मैं तो बच्चा हूं उनके सामने, तो डॉक्टर साहब जैसा आदमी जो हम तो उनको देखते थे, ये सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन करते थे या सिविल लाइन फाटक पर, मैं मैसूर स्कूल में पढ़ने जाता था, हम तो निक्कर पहन के जा रहे थे, वो यहाँ पे फुल घेराव करें तो पुराने खिलाड़ी हैं। डॉक्टर साहब की दो बड़ी मांगे हैं, सीबीआई जांच और दूसरा परीक्षा रद्द कर दें, क्योंकि एसओजी ने मान लिया। देखो, मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि एसओजी के लिए खुद इनके कटारिया जी का बहुत बढ़िया जांच हो रही है, बीजेपी के बहुत नेताओं ने कहा बहुत बढ़िया जांच हो रही है, बहुत बढ़िया जांच हो रही है, और ये जो लोग सारे के सारे हैं, जब ये जांच की बात हो रही है तो आप मुझे ये बताओ कि जब एसओजी की जांच की तारीफ कर रहे हैं, ये मामला तो एसओजी ने खोला है सारा, तो अब सारा से ही सीबीआई को दे दें। सीबीआई को जो जांचें दी है पहले बताए बीजेपी वाले उनमें क्या किया, मेरे साथ बहस करें, आप दिल्ली के नेताओं के साथ मिलकर जो षड्यंत्र कर रहे हो सरकार को बदनाम करने के लिए, झूठे एजेंडे बने यार, अब इसको कांग्रेस की सरकार को गहलोत सरकार को कैसे बदनाम करें उसके लिए, ऐसे तो ये मात खा नहीं रहे, क्यों काम में बढ़िया है, जनता में माउथ मीडिया में ये चल रहा है कि कांग्रेस वापस जीतेगी, माउथ मीडिया में चल रहा है। अब जीत हार तो भगवान के हाथ में, मैं भी जानता हूं सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में, लेकिन अभी माउथ मीडिया जानता है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं है, अभी तो पत्थर कोई मार रहा है तो केंद्र सरकार मार रही है, पेट्रोल डीजल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, रोजगार देंगे नहीं, बजट किसी के समझ में आता नहीं केंद्र का, आपके समझ में आया तो मुझे समझा दो आप, और फिर भी समझाना चाहते हैं बीजेपी वाले, एक जगह टाइम फिक्स करने, मैं बहस करने को तैयार हूं।